अस्सलाम वालेकुम, देखती आंखों और सुनते कानों आपको आतिफ का, अली का और ख़ान का सलाम। एक बंदा और तीन नाम। आज पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरे सारे ट्यूटोरियल्स को इतना लाइक किया है, अभी रिसेंट वालों को भी इतना लाइक किया है। आज मैं एक नया ट्यूटोरियल लेकर हाजिर हूँ आप लोगों की खिदमत में, और ट्यूटोरियल का जो सब्जेक्ट है वो बड़ा आप लोगों का फेवरेट पसंदीदा सब्जेक्ट है, वो है मैक्रो फोटोग्राफी के हवाले से। मैंने आज जो लेंस यूज़ आपको दिखाऊंगा बीच में, और उसका रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा हमेशा की तरह ट्यूटोरियल के बीच में या एंड में मिक्स कर मैं लेंस यूज़ कर रहा हूँ। 50mm का स्टैंडर्ड लेंस है, आप लोग 1.8 भी यूज़ कर सकते हैं, मैं 1.4 यूज़ कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं आप लोगों का सबसे फेवरेट मेरा अपना अभी तक मैंने रखा हुआ है लेंस, वो है 55-250 जो किट लेंस आता है। हम उसको समझते तो कुछ नहीं है कि बस बेसिक जूम है, बेसिक तरीन चीज़ है, लेकिन उसमें एक छोटा सा फीचर है मैक्रो का जो बेसिकली 3.5 फुट के फासले से, कोई 1 मीटर के फासले से आप पिक्चर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको जूम कर लें तो वो पीछे के आपके सब्जेक्ट को एग्जैजरेट कर देता है, बड़ा कर देता है और पीछे को बैकग्राउंड ब्लर कर देता है। मैं तीन जो मैंने आपको बताया था चीज़ें मैं यूज़ कर रहा हूँ आज, तीन चार चीज़ें। एक तो 50mm का लेंस है, उसके आगे एक्सटेंशन मैंने वो लगाए हैं क्लोज़अप फिल्टर्स लगाए हैं, ये क्लोज़अप लेंसेज तो नहीं कहेंगे, फ़िल्टर्स ही कहेंगे उसको। ये कैनको के हैं, वैसे कोकिन वगैरह के भी होते हैं, और तो उसमें तीन चार टाइप्स हैं, 1+1 है, +2 है, +4 है, सब्जेक्ट को जितना आपने क्लोजली आप नज़दीक जाना चाहते हैं और उसको एग्जैजरेट करना चाहते हैं। ऑब्वियसली डेडिकेटेड मैक्रो लेंस जो है उसकी बात कुछ और होती है, डेडिकेटेड मैक्रो लेंस जो है वो 1:1 रेशो में भी आपको दिखाता है और बियॉन्ड भी दिखाता है, लेकिन आपका चीप अल्टरनेटिव जो है, सस्ता अल्टरनेटिव, वो आपका ये 55-250 का किट लेंस है जो आता है किट लेंस के साथ में, और या फिर आपके क्लोज़अप फिल्टर्स हैं, या एक और चीज़ है जिसको हम ब्रिज कैमरा कहते हैं, छोटा सा पॉकेट कैमरे जो आपके होते हैं ना, वो भी उसके अंदर अपनी आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ और भी डाल सकते हैं। जैसे कि आप अगर आपने बैकग्राउंड बोके दिखाना है तो आप सॉफ्ट अपर्चर रख लें, आप 2.8 पर रख लें, मेरे वैसे मैक्रो के लिए तो आपको पता ही है F8 और बियॉन्ड F16 F22 भी यूज़ करते हैं लोग, जितनी आपने शार्पनेस देनी है। और लेकिन अगर आप डेप्थ ऑफ फील्ड भी शो कराना चाह रहे हैं, क्योंकि जब आपने क्लोज़ किया होता है सब्जेक्ट के नज़दीक, आप आए हुए हैं ऐसे कर यहां से आप पिक्चर खींच रहे हैं, जितना वो ब्रिज कैमरा मेरा सोनी का है, सोनी H50, उसमें 1 इंच से मैं पिक्चर खींच सकता हूँ, तो जो इतना सा आइटम है वो इतना बड़ा आपको नज़र आता है, फुल लाइफ साइज़ या बियॉन्ड लाइफ साइज़। तो ख़वातीन हज़रात, ये जो अभी मैंने रखा हुआ लेंस यहाँ पर इसके ऊपर लगा हुआ है वो 55-250 का किट लेंस है, यहाँ पर आप लोगों को शायद नज़र भी आ जाएगा जिसके साथ में आता है, ये आप लोग देख रहे होंगे। और ये मैंने एक्सटेंशन कॉर्ड लगाई हुई है फ्लैश को, ये 5ATEX फ्लैश जो है ये मैंने अलग एक स्टैंड पर रखा हुआ है इसको, और यहाँ पर इसके साथ में ये टाइमर लगा हुआ है, मैंने इसके टाइमर जो है, टाइमर नहीं कहेंगे इसको बल्कि रिमोट कहेंगे, वायर्ड रिमोट है ये रखा हुआ मैंने, कैमरा 60D है, और ये ट्राईपॉड है मेरा छोटा वाला, स्मॉलर ट्राईपॉड है ये, और ये सब्जेक्ट है, ये मैं फूलों की पिक्चर्स ले रहा हूँ यहाँ पर, ये फूल आपको रखे हुए नज़र आ रहे हैं गाड़ी के ऊपर। और ये साथ में दूसरा सेटअप जो है मेरे पास वो है इसका ब्रिज कैमरे का, मेरा सोनी H50 जो है यहाँ पर 15x जूम, और ये 1 इंच के फासले से जो है आप इससे मैक्रो कर सकते हैं, पिक्चर खींच सकते हैं। मैं दिखा भी दूँ आपको इसका लेंस, इसका जो मैक्स अपर्चर ओपन होता है वो 2.7 पर होता है, ये आप देख रहे होंगे वेरी टसार कार्ल ज़ीस का लेंस है इसका, और बहुत अल्ट्रा शार्प है, 4x30 का सेंसर तो है, लेकिन ये केस इस वेरी नाइस कैमरा। और ये है मेरा 50mm का F1.4 का लेंस, और उसके आगे मैंने ये क्लोज़अप फिल्टर लगाया हुआ है, ये एक ही फ़िल्टर काफ़ी पुराने मेरे पास, कोई 14 साल पुराने हैं, मैंने UK से ही लिया था, और ये एक ही फ़िल्टर काम दे जाता है। इसमें बस ये कि नुकसान तो नहीं कहूँगा, सिर्फ ये कि आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये +4 ही है, और ये जो मैं लेंस यूज़ कर रहा हूँ वो 50mm का 1.4 है, और बड़ा मेरा फेवरेट लेंस है, ऑब्वियसली आप लोगों का भी है, मैक्रो के लिए भी, पोर्ट्रेट के लिए भी, करीबन हर चीज़ के। ये मैनुअल और AB मोड अपर्चर वैल्यू के दरमियान मैं डिफ़र करता हूँ इसके दोनों को, और ये भी आपको दिखा दूँ पीछे से इसके कैमरे की बैक से, ये आप देख रहे होंगे फ्लैश की इंटेंसिटी मैंने -1 रखी हुई है, ISO जो है वो मैंने 100 ही रखा हुआ है, इसके अंदर 1/60 अपर्चर मैं वेरी कर रहा था बिटवीन 5 एंड अबव, कि F8 हो गया, F16 हो गया, F14 हो गया, इवन F22 भी। और ये मैं बताता चलूँ आपको कि ये मैंने डिफ्यूज़र भी लगाया हुआ है इसके साथ में, ये अपोलो का वेस्टकॉट का ही है, माइक्रो अपोलो, और ये वेस्टकॉट का फ्लैश को डिफ्यूज़ करने के लिए, और ये छोटा सा ट्राईपॉड है,
ये छोटा सा सेटअप मेरा इस बैग के अंदर आ जाता है। तो जैसे मैं आप लोगों को भी बता रहा था कि कौन कौन से लेंसेज मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो अब ये कि मैंने आज के ट्यूटोरियल के लिए एक स्पेसिफिक लेंस चूज़ कर लिया अपना 50mm का, और उसके आगे मैं क्लोज़अप फिल्टर्स लगाए हैं मैंने 1, 2 और 4 तीनों मिलाकर। और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा भी यहाँ पर जो फूल रखे हुए हैं साथ में, उन फूलों की पिक्चर ले रहा हूँ। मैक्रो के लिए आसानी है कि यू कैन टेक इट एनी वेयर, आप कहीं से भी। तो आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कैमरे में कि मैं पिक्चर किस तरीके पर खींच रहा हूँ, और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हर ट्यूटोरियल के अंदर मैं थोड़ा सा हर एक लेंस के बारे में बताऊँ। और अब ये कि आप जो है 50mm को आपको पता ही है सबको, 1855 के साथ भी आप कर सकते हैं, आप उसके साथ में एक्सटेंशन ट्यूब्स भी लगा सकते हैं, आप उसके अलावा लेंस को उल्टा करके भी लगा सकते हैं, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ उसमें, क्योंकि अनलेस एंटिल आपके पास उस लेंस का कोई और यूज़ नहीं है, क्योंकि उसमें लेंस के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और दूसरा ये कि अपना ये आपके क्लोज़अप फिल्टर्स भी बहुत सारे टाइप्स के अंदर आते हैं, कुछ होल्डर्स के अंदर होते हैं, कुछ जो है वो फ़िल्टर की तरह फिट हो जाते हैं आगे रोल होकर, जिसना आपका ये होता है यूवी फिल्टर हो गया आपका, या सर्कुलर पोलराइजर हो गया, कैमरा ट्राइपॉड के ऊपर लगा हुआ है। फ्लैश के लिए मैंने कल एक चीज़ बताना भूल गया था, वो है एल ब्रैकेट। एल ब्रैकेट का फ़ायदा है कि आप अपना, अगर आपके पास रिंग फ्लैश नहीं है तो आप फ्लैश अपनी कोई भी है उसको माउंट कर सकते हैं। मेरे पास जो एल ब्रैकेट है बहुत सस्ती सी थी, बहुत चीप सी थी, इसका भी मैं कोई एक डू इट योरसेल्फ वाला सिलसिला कर रहा हूँ मैं, इंशाल्लाह एक और ट्यूटोरियल में आपको उसका बताऊँगा कि आप ब्रैकेट कैसे एल शेप की ब्रैकेट बना सकते हैं, उसमें फ्लैश साइड पर भी लगे और टॉप के ऊपर भी लगे। तो आप यहाँ से फ्लैश निकाली ऊपर लगाती, वो आप वेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपने पोर्ट्रेट खींचनी है साथ में वो फ्लैश आप उस जगह भी आपकी यूज़ हो सकती है, उसके मल्टीपल यूजेज़ हैं। देखिए आज का जो है ये, जैसा मैंने कल पहले और अभी थोड़ी देर पहले भी बताया आपको कि 50mm के साथ ली हुई पिक्चर्स होंगी, और मैं आपको फूल भी दिखा दूँगा कि फूल कितना बड़ा है जो इसमें गमले के अंदर रखा हुआ है, और उसकी पिक्चर जो है जो आप उसको क्लोजअप में जा रहे हैं, मैक्रो के अंदर जा रहे हैं, तो वो कितनी बड़ी होगी। तो लेट मी शो इट टू यू। तो अब मैं आप लोगों को ये सेटअप दिखा दूँ इसका जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, और ये 50mm का लेंस है, ये मेरी फ्लैश जो है एल ब्रैकेट के साथ लगी हुई है, कैमरा ट्राइपॉड के ऊपर है, और ये छोटा सा गमला है जिसके बहुत ही छोटे छोटे से फूल हैं, आपको मैं जूम इन करके भी या यहाँ से क्लोज़अप आकर दिखा दूँ, तो इनकी मैं आपको पिक्चर्स खींच के बताऊँगा। और मैक्रो के बहुत सारे सब्जेक्ट्स आप कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका बीज भी आ गई हैं, इंसेक्ट्स यानी कि वो भी आ गए हैं, और ओबियसली बहुत सारे जो डेडिकेटेड मैक्रो लेंसेज होते हैं वो तो यानी कि उसकी 1x1 रिप्रोडक्शन भी करते हैं फ्लावर्स की, या 5x1 यानी कि 5 गुना ज़्यादा बड़ा करके भी दिखाते हैं, लेकिन हम फिल वक्त बात करें कि चीप अल्टरनेटिव जो है उसका 50mm का, सॉरी ये मैक्रो के लेंसेज का अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो क्या है, वो ये क्लोज़अप फिल्टर्स हैं जिसमें आपको दिखा दूँ, ये कैनको का है यहाँ पर, और ये मैं अपना 50mm का लेंस यूज़ कर रहा हूँ, और ये ट्राईपॉड माउंटेड है, मैंने गाड़ी के ऊपर इसलिए रखा ताकि ज़रा इसमें देखने में आसानी रहे, आप लोगों को समझने में आसानी रहे। और आप डिफरेंट वेरिएशंस भी क्रिएट कर सकते हैं लाइट को मॉडिफाई करने के लिए भी, जैसे मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ कि मैं ये गत्ते का पीस यूज़ करूँगा बैकड्रॉप, अगर मुझे बैकड्रॉप के अंदर यकसानियत चाहिए तो आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, रेड कलर, ब्लू, कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये वाइट ही था गत्ता सा, तो वो मैं लगाऊँगा इसके पीछे, गमले के पीछे। तो ये आप लोगों को मैंने दिखाया, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इसका कार्डबोर्ड का पीस रखा है यहाँ पर, इसको थोड़ा सा जूम आउट करके भी दिखाया था आपको। और पिक्चर जो है किसी जगह से थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो रही थी, तो मैंने उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा एक्सपोजर को भी डायल डाउन किया है, एक्सपोजर को भी माइनस में लेकर गया हूँ। उसके अलावा मैंने जो है वो ये किया कि फ़्लैश की इंटेंसिटी भी कम की, और एक्चुअली मैं कुछ पिक्चर्स लूँगा कि जो फ्लैश के बगैर भी अब, और ये कि मैक्रो में आपको ऑब्वियसली एक पिक्चर में ही बाज़ात काम नहीं चलता, जब आप इस तरह का सेटअप कर रहे हो, डेडिकेटेड मैक्रो ना कर रहे हो तो इवन देन, और आपको यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ पिक्चर्स बिफोर। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बताते चलूँ कि पिक्चर्स रॉ में लें ताकि पोस्ट प्रोसेसिंग में आसानी रहे।
अब इस सेटअप का फ़ायदा यह है, जो आपने देखा कि मैंने एक कार्डबोर्ड रखा हुआ है, इसका फ़ायदा ये कि अब आपने ये भी चेक किया होगा, मैंने उसको ऊपर उठा ली ताकि आप क्रिएटिवली लाइट के साथ प्ले कर सकते हैं, और इमेज वही होगा लेकिन सिर्फ लाइट और शेडो के इस्तेमाल से। मेरे शेडोज़ पर भी बहुत ज़ोर है कि अपने इफ़ यू क्रिएट शेडो यू कैन कंट्रोल द लाइट। आप अगर शेडो को कंट्रोल कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, तो आप लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और इमेज को आप ड्रामेटिक बना सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि थोड़ा सा और फूल, ये तो गमले में रखे हुए थे, थोड़ा सा जो ज़मीन पर लगे हुए वो कैसी पिक्चर में खींच रहा हूँ। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर लाइव, ये जो थोड़े से फूल नज़र आ रहे हैं आपको, तो और यहाँ पर मैंने कैमरे का सेटअप किया है, तो यहाँ पर मैं ये पिक्चर्स वगैरह खींचूँगा। इस टाइम पर ऑब्वियसली हवा चल रही है, तो आई एम गोइंग टू वेट कि हवा रुक जाए और फिर पिक्चर्स कैसी आती हैं। और एक चीज़ बताता चलूँ कि जो ट्राईपॉड आप देख रहे होंगे, बड़ा एक्सटेंड हो जाता है नीचे ज़मीन की तरफ, तो ऐसा कोई ट्राईपॉड अगर आपके पास हो तो उसकी वजह से बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि आप कैमरे को किसी भी जगह पोजीशन कर सकते हैं, ज़मीन के नज़दीक कर सकते हैं और स्टडी रहेगा। ट्राईपॉड का स्टडी होना और सब्जेक्ट का स्टडी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जितना जो है वो कैमरा स्टडी होगा, सब्जेक्ट स्टडी होगा, उतनी पिक्चर आपकी शार्प होगी। तो अभी देखते हैं कि ये वाली पिक्चर आपको मैं कैसे खींच रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ। तो ये अब आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर मैंने इसकी पिक्चर्स ली हैं, मैंने स्क्रीन को फ्लिप आउट किया यहाँ पर कैमरे की, ये मैं इस टाइम पर जूम इन कर देख रहा हूँ कि उसी हिसाब से फोकसिंग एडजस्ट करूँगा मैं कि जो है इमेज शार्प है कि नहीं। और आप इसके साथ क्रिएटिवली भी प्ले अराउंड कर सकते हैं, अगर आपने बिल्कुल फ्रंट की चीज़ को फोकस नहीं करना है, सेंटर में सब्जेक्ट को फोकस करना है, और तो आपका फोरग्राउंड और उसके सेंटर वाली जगह को छोड़कर, मिडिल वाली जगह को छोड़कर पीछे वाला बैकग्राउंड दोनों ब्लर हो जाएंगे, उस तरह की पिक्चर भी बहुत अट्रैक्टिव होती है। ऑब्वियसली वो कंप्लीट मैक्रो भी नहीं आती, लेकिन क्लोजअप के अंदर तो आई जाएगी। और आप ये देख रहे होंगे फूल कितने छोटे से हैं, लेकिन मैक्रो में ये आपको लाइफ साइज पिक्चर लगती है, और उसकी वजह से पिक्चर बहुत अट्रैक्टिव भी लगती है आपको, आप इंजॉय भी करते हैं उसको। अब मुझे एक सब्जेक्ट और भी नज़र आया, एक छोटी सी एंट यानी कि चींटी नज़र आई है, देखता हूँ अगर मैं उसको कैप्चर कर सकूँ कि नहीं। वैसे एक चीज़ और भी होती है, उसको कहते हैं थर्ड आर्म, वो साथ में आप अटैच कर सकते हैं इस तरह की एल ब्रैकेट से, और सब्जेक्ट को उसके अंदर पकड़ सकते हैं, जिस तरह बटरफ्लाइज हो गई हैं, या चींटी हो गई, या पत्ता हो गया, या फूल हो गया। अब ये के डिसएडवांटेज ये है 50mm के साथ कि इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है, और दूसरा सब्जेक्ट जो है ना वो आपके कंट्रोल से बाहर है, तो बहुत पेशेंस वाला काम है, यू हैव टू सी एंड लुक। तो अपर्चर जो मैं सेटअप के लिए यूज़ किया है मैंने, वो आज है F9 का, और ISO जो है वो 100 है ISO मिनिमम, और इस पर मुझे F9 के साथ इस धूप में ये मुझे दे रहा है 1/500 की शटर स्पीड दे रहा है। अगर आप फ्लैश यूज़ करें तो आपको फ्लैश को हाई सिंक पर एडजस्ट करना होगा, वरना फ्लैश जो है वो 1/250 पर ही फायर होगी, और उसकी वजह से होगा ये कि पिक्चर आपकी ओवर एक्सपोज हो जाएगी। तो यहाँ पर कैनन की फ्लैशेस में भी ये यहाँ पर दिया होता है,
एज का बटन, इसका मतलब है कि हाई स्पीड सिंक, दिस वन आप उसको प्रेस कर दें तो वो जितनी शटर स्पीड होगी उसी हिसाब से फ्लैश जो है वो फायर होगी। तो ये था हमारा आज का छोटा सा ट्यूटोरियल जो मैक्रो के हवाले से आप सीरीज एक समझ लें छोटी सी। और ये कि मैंने आपको रीकैप में बता दूं, मैंने पहले आपको पहले बता दें कौन कौन से लेंसेज मैं मेरे पास हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ या आप यूज़ कर सकते हैं, और किस तरीके से आप रिवर्स रिंग के ज़रिए यूज़ कर सकते हैं। रिंग नहीं है तो हाथ में पकड़ कर, लेकिन ऑब्वियसली पिक्चर शार्प नहीं होगी। रिवर्स रिंग के साथ आपका जो है कोई इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल लेंस का जो है वो कैमरे के साथ नहीं होता है। कपलर वगैरह भी हैं, उसके अलावा एक्सटेंशन ट्यूब्स हैं, बेलोज हैं, आपके डेडिकेटेड मैक्रो लेंसेज हैं, क्लोजअप फिल्टर्स हैं जो आगे लगते हैं। तो जो भी आपको चीपेस्ट सोल्यूशन मिले, एक्सपेरिमेंट इज़ द की, ट्रायल इज़ द की। और मैंने पहली सीरीज़ में मैंने इसीलिए आज 50mm जो है वो क्लोजअप फिल्टर्स के साथ यूज़ किया। क्लोजअप फिल्टर्स जो मैंने यूज़ किए हैं वो 1+1+2+4 तीनों को स्टैक किया आपस में, वो रिंग के साथ हैं तो वो स्टैक हो जाते हैं। और आप चाहें तो इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। फिर ऑब्वियसली आपको सबसे बड़ी बड़ी चीज़ ये है कि साथ में अपने डिस्टेंस का भी ख्याल करना है। एक्सपेरिमेंट जिसने मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस आप सब्जेक्ट से आपका जो है रेशो डिस्टेंस जो है वो कितना है, जैसे ये भी ये फूल आपको दिखाता, चलो मैं दोबारा ये वाले कि अब यहाँ से आप कैमरा कितना नज़दीक से पिक्चर खींचेंगे तो उतना ही लाइफ साइज इमेज आएगा, उतना ही बड़ा इमेज आएगा। और दूसरी बात यह कि आपका ट्राइपॉड होना बड़ा ज़रूरी है ताकि, और सब्जेक्ट का स्टेशनरी होना बहुत ज़रूरी है ताकि हिले ना। अगर हिलेगा तो ये हॉर्स रेसिंग तो है नहीं कि आपने जो है ना उसको पैनिंग की है और फोकस लॉक हो गया और आपकी पिक्चर खींच गई। इसके लिए बड़ी प्रिसाइज फोकसिंग आपको चाहिए, मैनुअल फोकसिंग आपने की है। रॉ में पिक्चर खींचें, ISO मिनिमम हो तो ज़्यादा अच्छा ताकि आपके ग्रेन वगैरह ना। हाँ, ऑल्दो कि अगर आप इनडोर खींच रहे हैं पिक्चर तो ऑब्वियसली ISO आपको फिर मेंटेन करना पड़ेगा उसी हिसाब से, 400, 800, 1600। और तीसरा ये कि मैं आपने देखा मैंने एक गत्ता भी यूज़ किया है बैकड्रॉप के तौर पर, वाइट। आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं पिक्चर को मज़ीद कलरफुल करने के लिए। आप मैक्रो में ड्रॉपलेट्स के साथ भी खेल सकते हैं, हम उसकी तरफ भी आएंगे इंशाल्लाह एक और ट्यूटोरियल में कि आप ड्रॉपलेट्स के साथ जो है इमेज विद इन इमेज किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। और ये कि बाकी आपके बटरफ्लाइज़ की पिक्चर्स किस तरह की होंगी, और फिर ये कि ऑब्वियसली बटरफ्लाइज़ या आपके इंसेक्ट्स ऐसी चीज़ें हैं जो स्टेशनरी नहीं बैठते हैं। तो या तो ये कि आप अगर कोई ब्रिज कैमरा यूज़ कर रहे हैं और आपने जो बेसिकली मैक्रो नहीं है लेकिन उन्होंने कैपेबिलिटी दिए गए इमेज को ऑप्टिकली इन्हेंस कर देता है और आप क्लोजेस्ट जा कर पिक्चर खींच सकते हैं, आप उसको बेसिकली क्लोजअप कह सकते हैं, मैक्रो नहीं कह सकते। मैक्रो में भी ये कि आप जो है वो बहुत छोटी सी चीज़ को आपने एक लाइफ साइज इमेज में दिखाया गया, जो उसका प्रिंट आउट भी कराएं तो वो 16x20 का या 20x30 का प्रिंट आउट आराम से 30x40 का करवा सकें, वॉल माउंट प्रिंट और आपकी शार्पनेस उसके अंदर एग्जाम्पलर ये पिक्चर आपको ऐसे लगेगा 3D इमेज है आपका। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हम इंशाल्लाह एक सीरीज़ के अंदर सीखेंगे आपको इसी ट्यूटोरियल की सीरीज़ में। मेरे बहुत अजीज़ दोस्त हैं और बल्कि बहुत प्रो फोटोग्राफ़र हैं, वो काफ़ी अपना अवार्ड याफ्ता फोटोग्राफर हैं पाकिस्तानी, कामरान हमीद भाई। तो वो कामरान भाई को भी इंशाल्लाह मैं एक ट्यूटोरियल में लिख रहे हैं ताकि वो अपने एक्सपीरियंसेस मैक्रो के बारे से बताएं, उनका बहुत काम है मैक्रो के अंदर और वो डेडिकेटेड मैक्रो लेंसेज यूज़ करते हैं। मैं तो फिर अपना मैक्रो के लिए मैंने जो यूज़ किया आपको बताया, क्लोजअप फिल्टर्स हैं 55-250 जो किट लेंस आता है वो साथ में मैंने लगाया है, और उसके आगे क्लोजअप फिल्टर्स और ब्रिज कैमरा। तो चलिए, मैंने कहा तो था कि छोटा सा वो ट्यूटोरियल काफ़ी लंबा हो गया, फिर एक छोटी सी ब्रेक के बाद मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।